स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने जो पहले मध्यकाल के दो वीडियोज हैं उनका अध्ययन कर लिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ने से पहले थोड़ा सा अभी लिखना नहीं, थोड़ा समझ लीजिए कि वास्तव में तुर्की संस्थापक ऐबक थे। अभी लिखना नहीं है आपको, जब भी आपको लिखना होगा मैं आपको बता दूँ। देखिए, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक तुर्की संस्थापक, वास्तविक तुर्की संस्थापक, भारत में वास्तविक तुर्की संस्थापक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, तुर्क आए और हमारे देश पे काबिज हुए, क्या कांड रहे होंगे, क्या रीजंस रहे होंगे, समझिए एक बार। पहली बात स्टूडेंट्स, जो तुर्क थे आपका महमूद गजनवी, गोरी, ऐबक, यदि उनका मुकाबला हम यहाँ के शासकों से करते हैं, जयपाल या पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, तो स्टूडेंट्स मानता हूँ बहादुरी में, ये नहीं कहता कि बहादुरी में हमारे वाले कुछ कम थे, लेकिन स्टूडेंट्स जो कूटनीति जो तुर्क शासकों के पास थी वो हमारे पास नहीं थी। उदाहरण के तौर पर देखिए कि त्राइन के दूसरे युद्ध में क्या दाव खेला था आपके जो है कुतुबुद्दीन, सॉरी मोहम्मद गोरी ने, उन्होंने अपनी रिजर्व सेना रखी, 1,20,000 की सेना से युद्ध किया उन्होंने, कुछ रिजर्व सेना रखी और शाम को जो ही चौहान की सेना थकी हुई थी तो अपनी रिजर्व सेना का प्रयोग किया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की कूटनीति जो है वो हमारे शासकों में कम थी। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो हथियार होते थे जो सैनिकों के पास, निसंदेह जो तुर्क सैनिकों के पास हथियार होते थे उनसे कमतर थे, कमजोर थे। तीसरी बात स्टूडेंट्स कि हम यहाँ तुर्की साम्राज्य क्यों बन पाए, तीसरी बात देखिए कि जो हमारा समाज था वो डिवाइड था, चार भाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए, ये मानते थे कि क्षत्रिय जो होता है, अक्षत्रिय जो होता है वो देश की सेवा का काम उसका होता है। तो आपने क्या किया, आपने प्रजा को लगभग काट दिया, एक उपेक्षित वर्ग बनपा हुआ था, क्या कि जो हमारी रक्षा का काम है वो सिर्फ क्षत्रियों का है, तो जनता का सहयोग जो है यहाँ पे हमें नहीं मिला। चौथी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स कि तुर्क काबिज क्यों हुए, राजपूत काल था, आपस में सहयोग नहीं करते थे, किसी एक राजपूत के ऊपर चढ़ाई होती थी तो दूसरा राजपूत सहयोग नहीं करता था। स्टूडेंट्स बहरहाल जो भी हो, कोई भी रीजन रहा हो, यहाँ पे राजपूत काल का अंत होता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे तुर्क शासक अस्तित्व में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए स्टूडेंट्स, इनका जन्म है तुर्किस्तान, तुर्किस्तान का इनका स्टूडेंट्स जन्म है। बचपन में स्टूडेंट्स निशापुर के एक काजी ने, अनाथ हो गए थे तो निशापुर के एक काजी ने इनको खरीद लिया था, निशापुर के एक काजी ने इनको खरीद लिया था। स्टूडेंट्स काजी ने अपने बच्चों के साथ ही इसको धनुर्विद्या, घुड़सवारी सब कुछ सिखाया, लेकिन स्टूडेंट्स जो ही काजी की मृत्यु होती है, काजी के लड़कों ने इन्हें फिर से बेच देते हैं, काजी के लड़के इनको फिर से बेच देते हैं स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक को, और किसी तरह ये पहुंचते हैं मोहम्मद गोरी के पास। स्टूडेंट्स मोहम्मद गोरी इनको यहाँ पे आमिर आखुर नियुक्त करते हैं, इनकी स्वामी भक्ति, इनकी बहादुरी को देखकर इनको आमिर आखुर नियुक्त करते हैं। स्टूडेंट्स मध्यकाल में आमिर आखुर उसको कहते थे जो घोड़ों की देखभाल करता था, अस्तबल का मुखिया होता था, उसको आमिर आखुर कहते थे। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, जब तराइन का युद्ध होता है 1192, दूसरा जो युद्ध होता है त्राइन का, उसके बाद भारत में अपना प्रतिनिधि ये किसको नियुक्त करते हैं स्टूडेंट्स, ये करते हैं ऐबक 1192 के बाद भारत में गोरी का प्रतिनिधि कौन बन जाता है, ऐबक। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, योद्धा थे, बहादुर थे, 1194 में स्टूडेंट्स इन्होंने कन्नौज को जीता, 1194 में
कन्नौज और जिद्दा स्टूडेंट्स, 1195 में स्टूडेंट्स, देखिए इन्होंने अलीगढ़ को जीता, अलीगढ़। और स्टूडेंट्स 1196 में इन्होंने अधीनवाड़ को जीता। ऐसा नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक महान सेनापति प्लस महान शासक थे, सुल्तान थे। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक परिवर्तन आता है 1206 में, गौरी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये बिहाइंड द सल्टेन, पर्दे के पीछे शासन करते थे, वास्तविक शासक गौरी थे। अब स्टूडेंट्स इनको आगे आना पड़ता है, लेकिन एक समस्या आती है, इस्लाम के कानून के अनुसार कि किसी दास को शासक नहीं बनाया जा सकता। प्लस स्टूडेंट्स उस टाइम एक अमीर वर्ग होता था खिलजी, आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स वो खिलजी जो होते थे, वो अमीर थे, वो एक दास की सत्ता को स्वीकार कैसे करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ाते हैं एक बार, आई होप कि आपने इतना कुछ उतार लिया होगा, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, इनको दासता से मुक्ति मिलती है 1208 गौरी के उत्तराधिकारी के द्वारा इनको दासता मुक्ति पत्र मिलता है। दासता मुक्ति पत्र मिलता है और स्टूडेंट्स ये सुल्तान बनते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, शासन प्रमुख जो सल्तनत काल में रहे हैं उनको सुल्तान कहते थे। इट मीन्स कह सकते हैं कि 1206 से लेकर 1526 तक जितने भी दिल्ली तख्त के ऊपर शासन प्रमुख होता था उसको सुल्तान कहते थे। 1526 के बाद जब मुगल वंश आता है स्टूडेंट्स, तो उनको हम बादशाह कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, और क्या घटनाएं हुई इनके काल में। स्टूडेंट्स ये साहित्य के प्रेमी थे, इनके काल में ऐबक के काल में दो विद्वान भी थे। देखिए स्टूडेंट्स, हसन निजामी प्लस फक ई मुदबिर, फक ई मुदबिर स्टूडेंट्स इनके काल में दो विद्वान भी हैं। इन्होंने स्टूडेंट्स अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। स्टूडेंट्स लिखते रहेंगे, परीक्षा के लिहाज से सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स क्या था पहले वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा? ऐसा कहा जाता है कि 2.5 दिन में तैयार होगा। स्टूडेंट्स 2.5 वर्ष लगे थे, और यहाँ पर पहले संस्कृत महाविद्यालय 2.5 दिन का झोपड़ा स्टूडेंट्स, संस्कृत महाविद्यालय था, दिल्ली जीत में बनवाया गया था 1192 में दिल्ली जीत के उपलक्ष्य में बनवाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। स्टूडेंट्स इल्तुतमिश ने इसके आकार को डबल करवा, इल्तुतमिश ने 2.5 दिन के झोपड़े के आकार को डबल दो गुना करवा दिया। स्टूडेंट्स कई बार पूछ लेते हैं 2.5 दिन के झोपड़े में एक और सुल्तान जिनका योगदान था उसके बारे में बताइए। तो स्टूडेंट्स ये थे अलाउद्दीन खिलजी थे स्टूडेंट्स, इनकी 2.5 दिन के झोपड़े में तीन सुल्तान जिन्होंने अपना योगदान दिया, खुद आपके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उनके दामाद इल्तुतमिश, और फिर खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी। एक और स्टूडेंट्स इमारत बनवाई इन्होंने दिल्ली में 12 किलोमीटर दूर महरौली में स्टूडेंट्स एक चीज़ और बनवाई। महरौली दिल्ली से 12 किलोमीटर दूर है स्टूडेंट्स, वहाँ पे इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, कुतुब मीनार का स्टूडेंट्स इन्होंने निर्माण काम पूरा नहीं करवा पाए। इनकी योजना थी कि 4 मंजिल बनवाई जाएंगी, टोटल ऊंचाई 225 फुट होगी,
225 फीट टोटल ऊंचाई होगी, चार इमारतें बनवाई जाएंगी, लेकिन स्टूडेंट्स यह सिर्फ एक मंजिल ही बनवा पाया। एक मंजिल बनवाने के बाद स्टूडेंट्स इनकी मृत्यु हो जाती है और शेष काम इनके दामाद इल्तुतमिश पूरा करते हैं। इल्तुतमिश शेष काम स्टूडेंट्स इल्तुतमिश पूरा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी पूछ लेते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण काम था वो किन किन सुल्तानों का योगदान था। एक पक्ष एक मंजिल बनवा पाए, योजना 225 फीट की थी, काम पूरा करवाए इल्तुतमिश इनके दामाद थे। फिर स्टूडेंट्स फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इस पे बिजली गिरती है। फिरोज शाह तुगलक के समय स्टूडेंट्स कुतुब मीनार पे बिजली गिरती है। ये चौथी मंजिल को तुड़वा के दो मंजिल बनवा देते हैं, इट मीन्स पांच मंजिल। देखिए स्टूडेंट्स पांच मंजिल होने के बाद इसकी ऊंचाई बन जाती है 234 फीट। एक और सुल्तान थे स्टूडेंट्स जिन्होंने योगदान दिया कुतुब मीनार में, सोचिए कौन सुल्तान थे जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण काम में योगदान दिया हो। स्टूडेंट सिकंदर लोदी, 1506 में सिकंदर लोदी इसकी मरम्मत करवाई थी। तो स्टूडेंट्स देखिए जो कुतुब मीनार थे उनमें किन किन शासकों का योगदान है। स्टूडेंट्स कुतुब मीनार में आपका ऐबक, आपका जो है इल्तुतमिश, आपका फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। स्टूडेंट्स उस समय के एक फकीर होते थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो स्टूडेंट्स ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस समय के एक सूफी संत होते थे। ऐबक ने इस कुतुब मीनार को इन संत का नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स आपके अजमेर के ढाई दिन का झोपड़ा प्लस में जो आपका कुतुब मीनार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इनमें से आते हैं। स्टूडेंट्स इनको लाख बख्श बादशाह भी कहते हैं। लाख बख्श सुल्तान बादशाह स्टूडेंट्स 1526 के बाद आते हैं। लाख बख्श सुल्तान कहते हैं अपनी दानशीलता के कारण। प्लस स्टूडेंट्स इनको चार दिनारी सुल्तान भी कहते हैं। कहते हैं कि गोरी ने इनको चार दिनार में काजी के बेटों से खरीदा था। तो स्टूडेंट्स चार दिनारे भी कहते हैं। 1206 से 1210 तक इनका काल रहता है। 1210 तक स्टूडेंट्स इनका काल रहता है। लाहौर में स्टूडेंट्स चौगान खेलते हुए, चौगान वर्तमान टाइम में पोलो, स्टूडेंट्स चौगान खेलते हुए जो है घोड़े से गिर जाते हैं और घोड़े से गिरने के कारण स्टूडेंट्स इनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस वीडियो में हमने कवर करने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स आगे हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के जितने भी सुल्तान या बादशाह हुए हैं हम एक एक को उठाएंगे और उनसे संबंधित जितनी भी परीक्षा में आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामने रखें। तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है, नोट्स तैयार करते रहिए, खुश रहिए, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है यदि आप खुशी के साथ किसी काम को आगे बढ़ाते हैं। और स्टूडेंट्स हर रोज़ आई ट्राई माई बेस्ट एफर्ट कि आपको हर रोज़ कम से कम एक वीडियो जरूर मिले। तो स्टूडेंट्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपके सुझाव या सलाह जो आपको हो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाइए लिख दीजिए, उसके ऊपर अमल जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।